आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। उसमें कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम किसका मान ज्ञात करना है? 1001 का जो दिया हुआ आपका 1001 की घात 1/3 दशमलव के 4 स्थानों तक हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे हम। कितना दिया हम 1001। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। 1001 दिया है हमें। 1001 की घात कितनी है हमारी? 1001 की घात है हमारी 1/3। ठीक है, अब देखो हम इसको दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिसकी घात हमारी 1/3 हम क्या जानते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? एक तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा, भागों में तोड़ लिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1000 की घात अगर हम 1/3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 की घात 3 घोड़े 1/3 होगा। तो कितना? 3 से 3 कटेगा। ठीक है, सॉरी 10 आएगा। इसी प्रकार से हम इसको तोड़ लिया हम। ठीक है, डेल्टा एक्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स का मान कितना हमारा? एक्स का मान हमारा क्या है? ये है आपका 1000। और डेल्टा एक्स का मान हमारा कितना है यहाँ पे? डेल्टा एक्स का मान हमारा कितना है आपका? ये है 1 आपका। ठीक है, इसको देखो आप करेंगे। एफ एक्स बराबर क्या होगा हमारा? एफ एक्स बराबर ये क्या होगा आपका? पूरा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पूरा मान लेते हैं आपका कितना एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 1/3। ठीक है, अब एक्स की घात 1/3 दिया हुआ, हम इसको निकाल लें इसका एफ डैश एक्स, यानी इसका आकलन करेंगे। हम जानते हैं एक्स की घात एन का आकलन क्या होता है हमारा? एक्स की घात एन का आकलन होता है एक्स एन, एक्स की घात एन माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकल के आएगा हमारा यहाँ पे आपका एक्स की घात 1/3, यानी 1/3 एक्स की घात 1/3 माइनस का 1। ठीक है, इसको हल करेंगे तो एफ डैश एक्स निकल के कितना आएगा हमारा? 1/3। ये हो जाएगा एक्स की घात कितना? माइनस का 2/3। ठीक है, इस 2/3 को हम नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की घात 1/3 और ये हो जाएगा आपका एक्स की घात 2/3, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखो, अब हमारा इतना मान निकल आया है। अब हम इसकी सन्निकट मान के लिए हल करेंगे, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए हल करेंगे। तो सन्निकट मान का आपका सूत्र क्या आएगा आपका? ये होगा हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा एक्स और साथ में हमारा कितना हो जाएगा ये? ठीक है, तो एफ एक्स हो जाएगा ये हमारा एफ एक्स, और साथ में हमारा ये होगा आपका यहाँ पे आपका आएगा एक्स गुणे में कितना होगा आपका? एफ डैश एक्स। ठीक है, इतना जाएगा हमारा, यहाँ होगा हमारा डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो, सन्निकट मान के लिए जब भी हल करते हैं तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर किसके बराबर होगा? एफ एक्स, और डेल्टा एक्स गुणे एफ की घात माइनस का एफ, मतलब एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का मान यहाँ पे हमें दिया गया, कितना दिया गया एफ एक्स का मान यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें रख देंगे आपका मान कितना आएगा। तो एक्स एक्स बराबर कितना माना था हमने? तो यहाँ पे देखेंगे हम कितना था, एक्स था हमारा आपका 1000। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1000 की घात 1/3 और प्लस डेल्टा एक्स हमारा कितना था? ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर कितना था हमारा? 1 था। और एफ एक्स बराबर कितना आया था हमारा? एफ एक्स बराबर आया था 1/3 3 एक्स की घात, एक्स की घात कितना हमारा? 1000 की घात हमारी कितनी है आपकी? 2/3। ठीक है, हल करेंगे इसको तो ये कैसा होगा? एक्स की घात, इसको 3 की घात कितना हो जाएगा आपका? 1/3। और ये हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पे? 1/3 और आपका ये 1000 की घात 2/3। ठीक है, हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा आपका कितना निकलेगा? 1/3 से 3 कट जाएगा, 1/3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे? 10 बचेगा, ये बचेगा हमारा 3। और यहाँ पे कितना होगा आपका? 10 की घात 3 से क्या होगा? इसको 10 की घात 3 से 3 कटेगा, कितना होगा? 2 बचेगा। ठीक है, हल कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हमारा आपका होगा 300। ठीक है, एक से इसको हम विभाजित करेंगे, ये विभाजित होगा हमारा 100, यहाँ पर निकालिए 100 और ये हमारा होगा 0.0। ठीक है, 3 3 3 3। ठीक है, इस तरह से हमारा विभाजित हो, हमें लेना कब तक? दशमलव के 4 स्थानों तक। ठीक है, तो कितना जाएगा हमारा? ये जाएगा हमारा 10.0। ठीक है, 0.00 आपका कितना होगा? 3 3। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे क्वेश्चन निकालना था आपका इसका 4 स्थानों तक दशमलव का मान, तो ये हमें यहाँ से प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये हमारा अविष्ट मान होगा आपके दिए हुए क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।